तो निश्चित तौर पर जब उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की ही राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ तो असर नीतीश कुमार जी के राजनीतिक के भविष्य पे पड़ेगा ही। ये नीतीश कुमार जी आजकल पता नहीं उनके भूलने की बीमारी हो गई है या क्या हो गई है, हर बातों पे ही इस तरह का वो जवाब देते हैं। अब आपको याद होगा कि उन्होंने बड़े सभा में इस मंच से कहा था कि भाई मेरा तो मन नहीं था महागठबंधन में जाना, लेकिन ये बिजेंद्र यादव जी और ललन जी का ही इच्छा थी जिसके कारण में हम लोग गए। जिस समय जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, तो उस समय शोषक जो वर्ग रहा था या शोषक जो जमायत रही थी उसके बारे में बोला था। इतनी इकाई है हमारी जो गरीब हैं, जो अत्यंत गरीब हैं, उनकी दशा में सुधार नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये शासक वर्ग ही शोषक है। तो ये दो नए शोषक की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं अपनी तरफ से पूर्ण सहमति देता हूँ। तो वो ए टू जेड की बात करनी छोड़ दी, और सुधाकर सिंह ने जो ये बात उठाया है निश्चित तौर पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई मौके पर ए टू जेड की बात कही है, तो जिस हिसाब से सुधाकर जी को 15 दिनों में जवाब देना पड़ा है, वैसे तेजस्वी यादव जी को भी चाहिए कि वो सुधाकर सिंह जी के सवालों का जवाब दें। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार 7 घटक दलों के साथ चल रही है, लेकिन सातों का सुर जो है अलग अलग दिख रहा है। जिस तरह से जदयू के अंदर खाने ही दो फाट नजर आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार की पोल खोलने में लगे हुए हैं, तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किसने किया था, हमारे ही मन के अनुसार जो है उपेंद्र कुशवाहा जदयू में शामिल हुए थे। हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के पूर्व विधायक सह प्रवक्ता मनोज कुमार, और इनसे सवाल है इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक यात्रा रहा, तो ऐसे कई वाक्य होते आए हैं कि जिनके सहारे वो राजनीतिक के 2-4 कदम 10 कदम आगे बढ़े हैं, और जब वो किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो अपने उस राजनीतिक यात्रा के जो महत्वपूर्ण पहलू है उसे वे हटाते हुए चले जाते हैं। तो अब तक तो इन्होंने ऐसा कार्य देवीलाल जी के साथ में, या आप कहिए कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ, उसके बाद शरद यादव जी के साथ में किया, लेकिन यहाँ पर कुछ बात ऐसी बन रही है कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की ही राजनीति करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति से कोई खास ताल्लुकात या कोई खास मतलब नहीं है, तो निश्चित तौर पे जब उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की ही राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ तो असर नीतीश कुमार जी के राजनीतिक के भविष्य पे पड़ेगा ही। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा कि किसी का मन नहीं था जदयू में उपेंद्र कुशवाहा को शामिल कराना, हमारा ही मन रहा, और आज पार्टी का विलय उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में कर लिया, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, नीतीश कुमार जी आजकल पता नहीं उनके भूलने की बीमारी हो गई है या क्या हो गई है, हर बातों पे ही इस तरह का वो जवाब देते हैं। अब आपको याद होगा कि उन्होंने बड़े सभा में इस मंच से कहा था कि भाई मेरा तो मन नहीं था महागठबंधन में जाना, लेकिन ये बिजेंद्र यादव जी और ललन जी का ही इच्छा थी जिसके कारण में हम लोग गए। तो इस तरह की बातें को कोई नोटिस नहीं लेता है, नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, आज क्या बोलेंगे, सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे, इसलिए उनकी बातों को कोई नोटिस नहीं लेता है, गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी कहा कि बिहार में दो सामंती नेता हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। हाँ, ये पहली बार ये बातें उठी हैं, क्योंकि जिस समय जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, तो उस समय शोषक जो वर्ग रहा था या शोषक जो जमायत रही थी उसके बारे में बोला था, और आज जो शोषक है, क्योंकि शोषक का तो परिभाषा बदलते रहता है, पहले शोषक यहाँ अफगान हुए थे, अफगान के बाद में शोषक यहाँ मुगल हुए, मुगल के बाद में शोषक यहाँ पर अंग्रेज हुए, अंग्रेज के बाद में जो शोषक वर्ग थे जिसके खिलाफ में स्वामी सहजानंद जी ने एक बहुत बड़ा जमींदारी उन्मूलन का अभियान चलाया, किसान आंदोलन चलाया, तो उस समय वो शोषक वर्ग थे, और जब श्री कृष्ण सिंह के कैबिनेट में और विधानसभा में बिहार की सभा में विधानसभा में जब जमींदारी उन्मूलन एक्ट ला दिया गया, तब फिर शोषक वर्ग कोई दूसरा हो गया। और आज जो उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि जो 35 वर्षों से यहाँ शासन कर रहे हैं, और उस 35 वर्षों में जो निचली इकाई है हमारी, जो गरीब हैं, जो अत्यंत गरीब हैं, उनकी दशा में सुधार नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये शासक वर्ग ही शोषक है। तो ये दो नए शोषक की बात कर रहे हैं, जिसमें
मैं अपनी तरफ से पूर्ण सहमति देता हूँ। निश्चित तौर पर सुधाकर सिंह भी अपने नेतृत्व पर ही सवाल उठाया है। सुधाकर सिंह के प्रति जो सोकोज नोटिस राजद ने जारी किया था, तो सुधाकर ने पत्र के माध्यम से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन ए टू जेड की कहाँ रही, सिर्फ हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। राजद के तो तमाम नेता बिल्कुल, देखिए जब भाजपा और जदयू की सरकार यहाँ थी, एनडीए की सरकार थी, और बोछा चुनाव के आसपास तक वो ए टू जेड की बात करते रहे, लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी यादव जी की गुप्त डील होने लगी, तब से वो ए टू जेड की बात करनी छोड़ दी। और सुधाकर सिंह ने जो ये बात उठाया है, निश्चित तौर पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई मौके पर ए टू जेड की बात कही है, तो जिस हिसाब से सुधाकर जी को 15 दिनों में जवाब देना पड़ा है, वैसे तेजस्वी यादव जी को भी चाहिए कि वो सुधाकर सिंह जी के सवालों का जवाब दें। एक सवाल है कि बिहार के एक सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक ने बिहारियों को जो है अपमानित करने का काम किया है, और कहा है कि बिहारियों को सड़कों पर चलने नहीं आता है, साथ ही साथ उन्हें अधिकारियों को भी ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी है। ये काफ़ी दुखद है, और किसी एक बिहार कैडर के आईएएस के द्वारा, जो जिनका जिसका संपूर्ण जीवन बिहार की सेवा करने के लिए, बिहार की जनता की सेवा करने के लिए, एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में जिसकी नियुक्ति हुई हो, और जो इतने सालों तक बिहार का मिट्टी में रहा हो, बिहार का अन्न जल ग्रहण किया हो, वो अगर इस 30 वर्षों में बिहार की कुछ दशा सुधार नहीं पाया, बिहार के लोगों की नियति नहीं बदल पाया, बिहार के लोगों को अनुशासित करने का तौर तरीका नहीं सिखा पाया, और आज वो ऐसी टिप्पणी करती है, ये बेहद शर्मनाक है। सरकार को अविलंब कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं, क्या तैयारी चल रही है बीजेपी? हाँ देखिए, हमारे केंद्रीय नेताओं का तो पूरे भारत वर्ष में प्रवास कार्यक्रम चलता रहता है, तो उसी क्रम में हमारे माननीय नेता अमित शाह जी आ रहे हैं, तो पटना भी आएंगे, और पटना में प्रख्यात विख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद जी की जन्म तिथि पर वो आ रहे हैं, तो एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करेंगे, एक मजदूर किसान समागम करने जा रहे हैं, जो स्वामी सहजानंद जी की सोच थी कि किसानों और मजदूरों का संबंध कैसा हो, उन्हीं बातों को दोहराने के लिए माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष कह रहा है कि ये सब चुनावी जो है ये लोगों को झांसा दिया जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीट अपने ही खाते में आएगा, तो हाँ बिल्कुल, अब चुनाव का वर्ष आ गया है, अगले वर्ष चुनाव है, चुनाव की जो अधिसूचना जारी होने में मुझे लगता है कि 12 महीने के आसपास में अब समय रहा होगा, तो हर पार्टियां चुनावी तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी तैयारी कर रही है, इसलिए अगर विपक्ष कहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, यह चुनावी तैयारी का वर्ष है, हम चुनावी तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कहना था बीजेपी के पूर्व विधायक सह प्रवक्ता मनोज कुमार साप्तोर सिंह। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार अब बिहार में फेल्योर नजर आ रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार भी अब जो है वो बदलाव चाहता है और एक अलग नई दिशा जो है वो तलाशने में लगा हुआ है। अमित शाह को भी लेकर इन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से चुनावी मूड में ही रहती है, और निश्चित तौर पर अगले साल चुनाव होना है, तो जो विपक्ष कह रहा है कि चुनाव को लेकर अमित शाह जो है बिहार में बार बार वो आ रहे हैं, तो यह सही है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।